नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं वेद प्रकाश पांडे, आज GSA डिग्री कॉलेज मथुरा में। आज मैं आपको बता दूं कि यहां पर फिफ्थ रॉयल चैलेंज कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, और आज यहां पर एक और आयोजन है जो कि आगामी 10-12 दिनों में होने वाला है। उसके लिए जो है इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। आपको बता दूँ कि कराटे के टूर्नामेंट के बाद एक मैराथन होने वाली है, और उस मैराथन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मथुरा के बहुत ही अच्छे जो है आर्मी कोच कह सकते हैं हम उन्हें, एक बहुत अच्छे एथलीट कोच कह सकते हैं, और एक यूथ इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं हरिओम, जिन्हें हमने यहाँ बुलाया हुआ है। और हम उन्हें जो है आज जो है एक अपने पोस्टर का विमोचन करेंगे, सफल विमोचन होगा, जिसमें हमारे GL यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर मैम है डॉक्टर सुनीता मैम, वो भी आ रही हैं, जो उन्हें वो ऑफिशियल तौर पर प्रदान करेंगे, जिससे कि हम उस इवेंट को आगे करा सकें। ये
दिखा रहे हैं, तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप
आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, युवाओं को आगे ला रही हैं, जो जिनका समय समय पर सहयोग मिलता रहता है, ताकि वो बच्चे अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा, जब बोलो मैडम हमें बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलकर मैडम से गेस्ट से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बोलो जरा मैडम को भी थैंक्स करो। और हमेशा मैं चाहूँगा लोगों का सेवा और जो
अरे
टीम बिल्डिंग और नेशन स्प्रिट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू। और एक हम लोगों ने ये डिसाइड किया है फार्मा अकेडमी और BBF के जहाँ पे भी हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग ट्री प्लांटेशन को ज़रूर प्रमोट करते हैं। सो खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया एंड वी कैन से ग्रीन इंडिया इज ऑल्सो द नेसेसिटी ऑफ टुडेज लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज यहाँ पे BSA कॉलेज में BBFT और फार्मा दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने मिलकर एक नेशनल लेवल पर जहाँ पर 17 स्टेट्स की टीम्स आई हुई हैं कराटे की चैम्पियनशिप यहाँ पे अंदर चल रही है। यहाँ BSA कॉलेज के प्रांगण में आज मुझे जो देखकर फील हुआ वो वाकई में शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इतनी छोटी उम्र से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये वाकई में आगे चलकर भारत का स्वर्णिम भविष्य जरूर बनेंगे। और इतना अच्छा इन एसोसिएशंस की जो सोच है कि इस एक्टिविटीज़ के साथ में इन्होंने जो एक प्लांटेशन जो इवेंट यहाँ पर किया है उससे पता चलता है कि ये लोग ना सिर्फ बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पित हैं बल्कि ये हमारे पूरे भारत के जो एटमॉस्फेयर है या ये एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ इस एसोसिएशन को और इस रॉयल चैलेंजेस जो कप यहाँ पर खेला जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आज के इस स्पोर्ट्स डे पर कार्यक्रम जो हो रहे हैं पूरे देश भर से खिलाड़ी आए हैं, मैं समझता हूँ कि खेल की भावना से ही खिलाड़ियों में अनुशासन और प्रेम दोनों का उदय होता है। और यदि हम कहें बच्चों के लिए कि टू विन द गेम इज गुड, टू लॉस द गेम इज बेटर और टू प्ले द गेम इज द बेस्ट, खेल तो खेल के भावना खेलें और खिलाड़ियों में ये भावना उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर जैसे बच्चे मैं देख रहा हूँ सो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मन बहुत रोमांचित हो रहा है देख के बच्चों को देख के इस तरीके से अपना ट्रेनिंग के बाद में इतने दूर दूर से आके यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके लिए उनको बधाई शुभकामनाएं। और ये यहाँ प्लांटेशन हुआ है उसके लिए भी मैं चाहता हूँ ये बड़ा हो रखे जिस तरीके से बच्चे प्रफुल्लित होते हैं उसी तरीके से वृक्ष भी अपना बढ़ा पढ़े और छाया दे और सबको आपसे कॉन्ग्रेचुलेट एवरी विनर एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट। दिस इज़ वंडरफुल इवेंट विच अमित गुप्ता जी एंड सोनू निषाद जी टीम ऑर्गेनाइज इन मथुरा रीजन। दिस इज़ अ वंडरफुल इवेंट दे पीपल हैव ऑर्गेनाइज मोर देन 17 स्टेट्स डिफरेंट टीम प्लेयर्स आर देयर इन दिस इवेंट एंड वी बीइंग मथुरा पीपल आर क्वाइट हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ वसुंधरा ब्लेसिंग फाउंडेशन
एंड फार्मा एकेडमी. वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द विनर्स हु जस्ट केम हेयर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स विद देयर पेरेंट्स एंड विद देयर कोचेस एंड दे हैव पार्टिसिपेटेड. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. एंड वी वुड लाइक टू आवर से दैट एवरी ईयर वी आर जस्ट प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ वंडरफुल इवेंट्स. सो In last, I would say congratulations and best wishes to all the team players and their coaches. Thank you so much. Hello, very good evening to all of you. This is Ankur Mishra from Lucknow, Joint Secretary of Traditional Shotokai Karate Federation India, headed by President Shyam Amit Gupta, sir. I would say ki this is a wonderful opportunity for all the players who are working so hard for their progress, and they are doing wonderful job in this चैम्पियनशिप विच इज नेशनल लेवल. एंड हमारा फिफ्थ रॉयल चैलेंज कप जो ऑर्गेनाइज किया गया है ट्रेडिशनल शोतोकाई कराटे फेडरेशन इंडिया की तरफ से, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट जा रहा है जिसमें मोर देन 550 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए हैं और अपनी अपनी कैटेगरीज में, वेज कैटेगरीज में दे आर अर्निंग देयर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली. एंड आई वुड से दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द प्लेयर्स. थैंक यू सो मच. Hello everyone, we would like to ask everyone that we are Vasundhara Blessing Foundation and Pharma Academy going to organize Braj Marathon, and you all are invited for that. Just kindly participate in that event. Being in Braj region, we have to promote this Braj culture more and more, and this is about International Bhagavad Gita Jayanti Mahotsav. So we are just celebrating this event for the whole week, 12th December to 19th December. So it is a humble submission to all of you that kindly join us in this mega event so that we can promote the Braj culture. So this is the poster. Today in this national event we have launched this poster of Braj Marathon. So this is about the event. So you all are cordially invited for this mega event. Join us on 12th December 2021. Thank you so much everyone. Hello everyone, so we are promoting this Braj Marathon. So now today we have two sports players with us. One is national and one is international sports player. So let us welcome both of you, and you join us on 12th December, right? So what you would like to say about sports activities for female, for women, and what about this Braj Marathon? मैं इसमें बोलना चाहूँगी सबसे पहले कि हमारी ब्रज की ये चीज़ें हैं और आगे बढ़नी चाहिए. हम चाहते हैं हम ब्रज के लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और एक प्लेयर होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों में आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और आगे इसको सहयोग करें आगे. वेरी गुड, बेस्ट विशेस. मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज मैं पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ. शायद आई थिंक 2017 में मेरे को फर्स्ट पोजीशन भी मिली गीता की तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं फिर से गीता के पार्टिसिपेट कर रही हूँ. मैं ऑल ऑफ यू बोलना चाहती हूँ कि जितने भी गीता के लिए सबसे ना सपोर्ट करें. मैं रॉयल चैलेंज 5 रॉयल चैलेंज पर होने वाला है कि मैं एथलीट स्टूडेंट बोल रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ सब लोग सपोर्ट करें. थैंक यू, बेस्ट विशेज. Girls who will be sent first, sub-junior, pole group.
शारणी आका शुभ लक्ष्मी आओ, नेक्स्ट बार शारणी आका शुभ लक्ष्मी आओ, बी रेडी। जरा ध्यान दे सभी लोग, जितने भी बच्चे अरेना के आसपास खड़े हुए जिनकी माउथ नहीं है वो वहां से हट। ये जितने भी जजेस के पीछे खड़े हुए लोग हट जाए, हाँ।
और आपसे कुछ फेवर। थैंक यू। अपना बेस्ट का 100% देंगे, तो इस प्रतियोगिता से जीत के जाएंगे।
उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन और इसी बात से पदक से वंचित रहेंगे वो खिलाड़ी अगली बार बहुत तैयारी करते हैं बहुत धन्यवाद Thank you.